ऐसे करके बताया, अल्लाह मंगल विहार गए थे ये लेकर आए ऐसे करके नहीं बता पाऊंगी। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग कर दिया हमने उल्टा, आज मम्मा करने वाली है व्लॉग क्योंकि मम्मा सीखेंगी आज करना। क्यों सीखेंगे, पहले के हम जानते नहीं थे। हाँ मतलब जानती हो, करो कुछ बताओ क्या क्या सवाल लेके आई है। हंसी आ रही। हाँ तो हम लेकर आए हैं ये, आज मंगल बाजार गए थे सब लोगों को मालूम है। पहले ऐसे करके बताया, मतलब हम मंगल बाजार गए थे ये लेकर आए ऐसे करके नहीं बता पाऊंगी मैं। अरे तो करो तो सही। हाँ तुझे मजा आ रहा है। हाँ तो हम गए थे मंगल बाजार, तो देख देखिए ये सामान लेकर आए हैं, देखना ये सूट ये सूट ये सूट ये सूट और ये लेस है, चूड़ियां सारा मंगल बाजार उठा लाती हूँ। अब तो वही मेरे बच्चे ने अमीर कर दिया मेरे को। देखिए आप देख सकते हैं, बताइए कमेंट में कैसे हैं, आप बताइए कमेंट में बहुत कैसे हैं? सूट लेके लाती मंगल बाजार सी में, जा रही ब्रांड नहीं जान पाएंगी। चल जा, ज्यादा महंगा हो जाता है, इतना ही सही है अभी। मतलब अमीर तो है, अमीर तो है लेकिन गरीब वाली अमीर है, मतलब समझ रहे हो। तो ये चीज नहीं बदलेगी, कभी भी नहीं बदलेगी, समझ में आ गई। मम्मा ये बोलते हैं कि ये ब्रांड नहीं पहना करेंगी, तू चाहे पहन ले लेकिन हाँ, मैं नहीं पहना करूंगी, मैं सस्ते वालों में घुसूं, इसी में घुसूं। क्या वेस्ट करना। तो गाइस आज के व्लॉग में हम क्या करने वाले हैं पता है, हम आज मंगल है और हमारे इस्लाम भाई जो हैं, जो हमारे फ्रेंड हैं, एक ही खास फ्रेंड है हमारे, तो वो मतलब उनकी छुट्टी है दुकान की, तो हम लोग आज निकलने वाले हैं ट्रिप पर और ये नहीं पता है कि कहाँ जाएंगे और अच्छी जगह जाने की कोशिश करेंगे। ऐसी करते हैं। दुण, 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 दुण। क्या हुआ? अरे घंटा कुछ हुआ, देखो मेरा हाथ। और मम्मा देख सकते हैं इतने सारे हीरे जवाहरात ले आए हैं मंगल बाजार से। इनके पास ये तो इतनी अमीर हो गए, गोल्ड के पहने हुए हैं ना, गोल्ड के पहने हुए हैं। तो आप तो पहन भी सकती हो ना, आप तो डायमंड के भी पहन सकती हो। हाथ कटाना है क्या आपने? हाँ इसीलिए मत पहनो, यही पहनना है मेरे को। यस गाइस, तो चलिए मैं टोपा ओपा लगा के, क्योंकि देखो मैं स्कूटी पर जा रहा हूँ तो अब तो हेयर स्टाइल नहीं बना सकता अपना, टोपा ही लगा कर जा रहा हूँ, बेहतर रहेगा। ग्लव्स भी पहन लूंगा, स्कूटी पर तो ठंडी हवा लगेगी, धूप तो निकल आई है आज, लेकिन फिर भी तो अब निकलता हूँ मैं। ठीक, तो भाई साहब अपन ले लेता है चाबी और निकलता है यहाँ से। ठीक है, ये मम्मा साइलेंट क्यों है? क्योंकि मैं जूते पहनकर आ गया था अंदर। ये जा रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम, आता हूँ जल्दी, कुछ लेकर आऊंगा बहुत अच्छी सी चीजें। ठीक है, तो अब तो निकल रहा हूँ लंबे टूर पर, निकल रहा हूँ, आऊंगा आराम से घूमता घुमाता। सो कहाँ पर जाना है? मस्त सी चीज लेकर आऊंगा। ठीक है, खूब खाना ऐश करना। चलो गाइस निकलते हैं अभी यहाँ से। चलो भाई साहब, लेटेस्ट न्यूज आपकी बताते हैं, ये बदल चुके हैं 2014 में पहुंच चुके हैं वापस। चलो चलो देर हो रही है, लंबे टूर पे निकलना। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। किनका डाबल लिए बन रहा यार, मेरी के शर्म नहीं आई बिल्कुल। हाँ तो भाई साहब हम निकल चुके हैं अपने सफर के लिए और थोड़ा लेट हो गए, इन्होंने नहाने में बहुत टाइम लगाया, दाढ़ी मूछें बनवा के आए। तो हम जा रहे हैं आज साबर विजिट करने के लिए, तो फिर देखते हैं, हमें पता नहीं है क्या करेंगे वहाँ पर। और इधर देख सकते हैं सोने का पहाड़। बाकी चलिए गाइस निकलते हैं, इतना ही बताना था आपको। फाइनली हम लोग साबर में पहुँच चुके हैं और ये आरिश भाई चला रहे हैं। तो भाई साहब हम यहाँ पर साबर में आए, हमने एक्सप्लोर तो कर लिया लेकिन हम कुछ भी मतलब मिला नहीं जहाँ पर हम कुछ बढ़िया से कर सकते, लेकिन अभी हम जा रहे हैं वापस, इन्होंने बांध दिया रुमाल, अब निकलते हैं। ठीक है, टिट्टा अगर तरी बने गए। चलो तो गाइस आज सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि हम बहुत ज्यादा लेट निकल पाए और लेट निकलने के चक्कर में वापस आ गए, शाम सी हो गई, देखो उधर, ये सबसे बड़ी दिक्कत हो गई। इसमें मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मेरा प्लान था मतलब बहुत अच्छे से घूमने का, लेकिन इन्होंने लेट करा दिया। भाई साहब कुछ खिलाओ मस्त सा, लेकिन चलो हम डिसाइड कर ले फिर बताएंगे। ठीक है, आज हम चूज करेंगे कुछ नया, भाई साहब आज हम पुरानी चीज नहीं खाएंगे। इनकी बाल की कटिंग ऐसी हुई भाई साहब, सबसे पहले हमने बोला चिकन, आज हम नई चीज ट्राई करने वाले हैं, हम यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं चिकन पिज्जा, क्योंकि यहाँ के जो मालिक हैं वो बोलते हैं हमसे कि तुम आते हो और चिकन चाउमीन और चिकन मोमोज तो ऊपर जाती नहीं, तो फिर वो अभी यहाँ पर मौजूद है नहीं, लेकिन अगर ब्लॉग देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा, कुछ नया ट्राई कर रहे हैं आज हम ढूंढ ढूंढ के। अगर भाई साहब जल्दी निकलते ना तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले थे, लेकिन बिगड़ गया सब कुछ, बहुत बुरा लग रहा है हमको। तो चलिए भाई साहब कुछ यूनिक पीस हमारे पास आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं, अब इसके रेस्टोरेंट के मालिक बहुत खुश हो जाएंगे।
हमारी इस नई उत्पत्ति से। चलिए तो ये है चिकन पिज्जा। अब आया है हमारा दूसरा पिज्जा जो कि है चिकन सताजी। ठीक है भाई साहब, खा पी लिया, निकलते हैं जल्दी से वापस। और हो गई है रात, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये क्या मस्त सीन है, वाह वाह। इनको यहाँ पर फुब्बारा लगने लगा, अब थोड़ी सी और अच्छा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम, कितने सूट सिल लिए भैया? एक भी नहीं। अरे यार मेरी ये कटिंग कर रहे थे। अरे यार, पापा नहीं आए अब तक दुकान से? तो गाइस अभी हम फिलहाल लोग जा रहे हैं सारे आंटी के घर पर, हमारी रिजवाना आंटी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मम्मा ने नकाब ओढ़ लिया है, निकल रहे हैं, ताला वाला लगा रहे हैं। और हमने ले ली है हमारी सिमरा के लिए गजक। और ये बात ध्यान रखना सिमरा, अगर ब्लॉग देख रही हो, ये आपके हैं और ये बेबो की है, ठीक है? इसलिए बेमानी नहीं करनी। हाँ, एक एक चीज बेबो की और दो चीज उसकी है सिमरा की, ठीक है? ये बर्फी वाली गजक लाया हूँ मैं, ठीक है? चलो भाई साहब निकल चुके हैं हम मामा जान। अरे मम्मा तो बहुत दूर चली गई। पीयू की दावत के लिए मम्मा भागी भागी चली जा रही हैं। पतली पतली गलियों से निकलते हुए ये पहुंच गए हम आंटी की गली में। क्यों सस्सू तो निकल ली थी कहीं? ऊपर जाना पड़ेगा। चलो तो इनका चूल्हा जल रहा है सबसे ऊपर। आंटी गोद में ले लो, मेहमान की इज्जत करना चाहिए, गोद में ले लो। भाई इतना नहीं कर पाई बच्ची, देखो ऐसे नहीं, कितनी इज्जत से ले आ रही है, मेहमान की इज्जत करना चाहिए, गोद में ले लो। नहीं जानते हैं। हाँ अब आंटी आकर के मैं गोद में ले लिया करूंगा। हाँ आंटी आकर तो गोद में ले लिया। अस्सलाम वालेकुम, लो चूल्हा जल रहा है। आलू की रोटी बनी है, बता तो। बड़ी बड़ी बेटी लग रही है, गोद में ले ले आंटी। कल का कमेंट असर कर गया लग रहा है। हाँ देखो ना, और ये देखो ना, कि गरीबो अजीबो गरीबो वाला कर रखा है। और यही पता था, झोपड़ी होती है और घर गरीब होता है, घर गरीब होता है, घर गरीब होता है, गरीब घर होता है, तो उधर लाइट नहीं होती है। दुपट्टा ले 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 आई फिर रही है। तो इधर मोबाइल से कीबोर्ड मोबाइल से ही तो जलाते हैं ना। हाँ पहले वो चिराग जलता था, आपकी जमाने में मोबाइल है। ये क्या लाया उसमें? बेबो को बुलाओ। बेबो प्लीज आज लगा बड़ी कुछ तो जिम्मेदारी संभाल ली। संभाल पड़ी है। सबसे पहले ये पकड़ो, ये पीऊगा। और तो मैं यही ले जाने वाली थी। मैं नहीं लूंगी। क्यों? मैं नहीं लूंगी। क्यों? क्यों? दो हैं। लेना क्यों नहीं? मम्मा मना कर दे, कोई चीज़ है तो मत लिया कर। तो हम भाई हैं ना, भाई से ले लेते हैं, भाई से ले लेते हैं, और किसी से नहीं। और क्या कहते हैं, शुक्रिया लो। ठीक है ठीक है, सही है ना? हाँ। इस बारी क्या है कि मेरे तो दोस्त को बेबो को तो एक ही मिला, आपको दो मिले। अब इसमें वो है, ये फैमिली के लिए, ये फैमिली के लिए आप भी। ये है गजक, गजक नहीं रख दो ये सबको, चली कल लेके जाएंगे। क्यों सुधर गई? बेईमान कह रहा, अगर किसी का हिस्सा ले लिया नहीं, नीचे जाके माँ बाप भाई बहन मेहमान और नानी नाना मामा मामी। अच्छा सबकी करना चाहिए इज्जत है। और ये डंडा लेकर, अरे पर मैं ये धुआं भगाऊंगी ना। अच्छा धुआं डंडे से भगाऊंगी? धुआं बहुत भर गया। धुआं भगा रही है लड़की से? लड़की से इस लकड़ी से ना धुआं भाग जाता है। अच्छा ऐसे कर देती हूँ ना। लो ऐसा आलू की रोटी यहाँ पर गर्मा गर्म बन के आ गई है। देखिए ये सिमरा कितना काम कर रही है घर पर। अब ये बहुत बड़ी हो गई, शादी करवाना पड़ेगी जल्दी इनकी। मेरी नहीं, बेबी की शादी होगी, हम दोनों डॉक्टर बनेंगे, ये मेरी नर्स बनेंगे। नर्स हो डॉक्टर बनने का फैसला सिर्फ मैंने लिया है। काम करने की जैसे जैसे की नौकरानी होती है वैसे। होने पर काम कर रही हूँ तो
से बांध लेते हैं। अच्छा कह रही है नौकरानी थोड़ी नहीं बांधती है। चलो आप डांस करो, डांस करती हूं ठीक है। ठीक है अभी आप गाना बोलना, बैठे बैठे क्या करें, गाना बोलो। बोलो ना, नहीं बोलेगी, बोलो ना, बैठे बैठे क्या करें, अब करना है कुछ का। अरे म्यूजिक म्यूजिक स्टार्ट करो लेके प्रभु का नाम। अच्छा म्यूजिक भी खुद बना ले रही हूँ उससे। कोई बोले या ना बोले पर हम तो बोलते हैं, हमें इज्जत करनी है। ये बात है, सवाल सिमरन बोलती बहुत कम है। आप कुछ बोलोगे? अरे हाँ, इनके भी वीडियो बनाओ। अरे पेट को क्या बोलते हैं, वीडियो बनाओ ना। अभी मैं बताया नहीं था स्टोमन। अच्छा, अरे हैंड को बताओ, हैंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या वीडियो बनाओ, हैंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? लात बोलते हैं। हैंड को पैर बोलते होंगे मेरे ख्याल से। तो एक कठिन सवाल पूछूंगी अब मैं इनसे, पूछने वाली हूँ कि ये फिंगर को क्या बोलते हैं, फिंगर को क्या बोलते हैं अबू जान? चला ठीक है, क्लासेस खत्म। तो भाई साहब रात में हम मार्केट से होते हुए घर जा रहे हैं, पापा देख सकते हैं, इधर मम्मा सुनसान पड़ी हुई है मार्केट में। तो ठीक है भाई साहब, हम आ चुके हैं घर पर, मम्मा ने उतार रही है नकाब। अब जल्दी से पढ़ते हैं आप लोगों के कमेंट जो कि मैंने यहाँ पर निकाल लिए हैं। ठीक है गाइस, तो कमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहला कमेंट है शमशाद खान का जो कि कह रहे हैं नाइस ब्लॉग, तो शुक्रिया, शुक्रिया आपका। अगला कमेंट है इमरान सैफी का जो कि कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कह रहे हैं किसी ने सही कहा था आपकी मम्मा बहुत गुस्से वाली है। तो जी हाँ, बहुत मुक्या देती है। शुक्रिया आपका ये बात कहने के लिए। अगला कमेंट ल्यूना रोज का है, वो कह रही है कहना लिखा था, तो जी हाँ मैं बाद में समझ पाया था लेकिन आपसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, खाना लिख गया था। अच्छा। बट कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कह रही है बेस्ट विशेस फ्रॉम पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान से जुड़ चुकी है, तो शुक्रिया आपका। पाकिस्तान में काफी लोग देख रहे हैं। बाकी अगला कमेंट है जिनका नाम नहीं है लेकिन कह रही है अस्सलाम वालेकुम, नाइस व्लॉग, अल्लाह आपको कामयाबी दे। शुक्रिया आपका, आमीन। तो इतने ही कमेंट थे, बाकी आज के व्लॉग कहीं पर एंड कर देते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, लाइक करना, और चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलेंगे कल के नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गाइस अल्लाह हाफिज़, बाय 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 बाय।